हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं। आज मैंने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, होममेड स्टाइल, जिस घरेलू स्टाइल चिकन करी आज हम बनाने वाले हैं। चिकन करी घरेलू स्टाइल में, ये देखिए मैंने 250 ग्राम चिकन लिया, एक पीस आलू लिया है, और ये थोड़ा टमाटर लिया है चॉप किया, थोड़ा ओनियन चॉप किया है, और ये थोड़ा मिर्ची, ये जीरा डाल रहा हूँ जल्दी, और ये थोड़ा चॉप करके रखा। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें थोड़ा हम डालेंगे जीरा, जीरा डाल दिया। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा ओनियन चॉप, जिंजर चॉप, लहसुन चॉप, इसको अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए कितना बढ़िया से पक रहा है अपना, लहसुन चॉप, अदरक चॉप और चिल्ली, बहुत अच्छे से गूंदा जा रहा है। अब इसमें डालेंगे ओनियन चॉप, दो स्पून ओनियन चॉप डाला, तो अच्छे से गूंदने का है। ये देखिए कलर आ चुका है, इसमें हम डालेंगे टमाटर चॉप, दो चम्मच टमाटर चॉप डाल दिया मैंने, जैसे अपना एक बड़ा वाला टमाटर चॉप किया था। बहुत इजी है घर स्टाइल में बनाने का, इसको ज़्यादा मसाला यूज़ नहीं करने का है, डाइटिंग लोग के लिए बहुत अच्छा है करने में। पता हल्दी, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, अब इसमें हम डाल देंगे एक आलू का कटा हुआ एक पीस आलू, घर स्टाइल में बनाने का आलू थोड़ा डालना पड़ेगा, इसको अच्छे से गूंदने का है मसाला के साथ। देखिए गाइस, ये धनिया पाउडर, सॉल्ट, रेड चिल्ली पाउडर, जीरा पाउडर इसमें मिक्स करेंगे अभी मसाला के साथ। अब इसमें मैरिनेशन किया हुआ चिकन डाल देंगे, 250 ग्राम का चिकन था, अच्छे से पकाने का, अब इसको अच्छे से भूनने का है। देखिए गाइस, कुछ भी ज़्यादा मसाला है ही नहीं, ज़्यादा ऑयल नहीं है, बहुत बढ़िया से पक रहा है चिकन, पूरा घर स्टाइल में बनाने का है। ये देखिए गाइस, चिकन अपना पक रहा है, बहुत बढ़िया से खुशबू आ रहा है इसकी, कुछ मसाला नहीं डाला। ये देखिए कितना बढ़िया से पक रहा है चिकन, अब इसको ढक्कन लगा देंगे, थोड़ा पकने देंगे। ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, चिकन अभी हाफ डाउन हो चुका है, बहुत बढ़िया सा खुशबू आ रहा है, गजब सा खुशबू, इसको खाएंगे तो और भी मज़ा आएगा। अब इसमें हम थोड़ा ऐड करेंगे गरम मसाला, इसमें थोड़ा ऐड करेंगे, ये देखो होममेड बना हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया हमने। ये देखिए गाइस कैसा लुक है इसकी, पूरा होममेड स्टाइल। थोड़ा इलायची पाउडर भी ऐड करेंगे इसमें हल्का सा, अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए गाइस, चिकन पक रहा है, 80% पक चुका है चिकन, पूरा घर स्टाइल में बन रहा है अपना चिकन। इसमें थोड़ा गर्म पानी ऐड कर लेंगे हल्का ग्रेवी के लिए, जैसे हम लोग रोटी के साथ खा सकते हैं इसको। इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 5-10 मिनट तक। ये देखिए गाइस, अपना चिकन रेडी होने वाला है, ये देखिए कैसे पक रहा है चिकन, पूरा होममेड स्टाइल घर स्टाइल में बनाया मैंने, ऑयल बहुत कम ऑयल में बनाया। ये देखिए गाइस, अपना चिकन हो चुका है, इसमें हम डालेंगे अभी लास्ट में बटर, थोड़ा डालेंगे आ जाएगा। ये देखिए गाइस, बटर डाल दिया मैंने थोड़ा हल्का नाम के लिए, और इसमें लास्ट में धनिया पत्ता थोड़ा डाल देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सर्व करेगा। ये देखिए गाइस, अपना होममेड चिकन करी अभी रेडी हो चुका है, इसके साथ रोटी या राइस खा सकते हैं आप लोग। ये देखिए, ऐसे ही घर स्टाइल खाना पसंद करते हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय जगन्नाथ, नमस्कार।